ब्लॉग, होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, मुझे समझ आ गया, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं देयर इज नो गोइंग बैक। तो अब गाइस अब हम जा रहे हैं, आज है ट्यूसडे और गाइस आज मेरा है आरटीओ में लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट, मैं देने जा रही हूँ टेस्ट। गाइस मैंने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और उसका है टेस्ट, टेस्ट देने मैं जा रही हूँ और होपफुली बहन को लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा और बिना ड्राइविंग स्किल्स के और मन्नू के साथ जा रही हूँ। ऑफिस से मैंने 2-2.5 घंटे की ऐसे बोल दिया कि मैं अवे हूँ कुछ पर्सनल काम के लिए, तो मैं बस खाना वाना खा लिया। आज मम्मी ने खाने में बनाया था राजमा चावल, तो वो हमने खा लिया, मनु ने खा लिया, बस अब हम बैठ रहे हैं। बाय। पहुंच गए हैं और हमको ना उन अंकल ने बहुत अच्छा अच्छा A few inches later. Guys, मेरा लर्निंग लाइसेंस आ गया है फाइनली। और एक टेस्ट हुआ था ऑनलाइन टेस्ट, वो मैंने दे दिया। उसमें ना साइंस बताने होते हैं कि ये साइन का क्या होता है, ये साइन का क्या होता है, अगर ये साइन आया तो इसका क्या मतलब होता है, ऐसे ऐसे करके कुछ 8-9 क्वेश्चंस थे, 2-2 हो गए मेरे गलत और सारे के सारे पास, तो मैं हो गई पास। पास होने के बाद अप्रूवल के लिए जाता है वो आगे, और फिर जैसे ही अप्रूवल हो जाता है फिर आपके पास आ जाता है कि आप डाउनलोड कर लो, और मैंने डाउनलोड कर लिया गाइस, मेरे पास लर्निंग लाइसेंस आ गया है फाइनली। अब बस ये ड्राइविंग लाइसेंस आ जाए 1 महीने बाद। गाइस मैं घर आ गई हूँ और अब मैं अपना काम कर रही हूँ। मैंने फिर से थोड़े से राजमा चावल खाए हैं, चिकू कैंडी को भी खाना दिया है, तो वो अब अपना सेटल हो चुके हैं खा पी के। और बस मम्मी एक्चुअली क्या है, जो सूर्य आंटी है ना उनके यहाँ पे भी उन्होंने गणेश जी रखे हुए थे, उन्होंने भी कीर्तन रखा है, तो मम्मी वहाँ पे गई हैं। मम्मी का फ़ोन आया था कि मैं चली गई हूँ और चाबी बताती थी कहाँ है और तू ओपन कर लेना, तो बस अभी मैं अपना ऑफिस का काम ही करना स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा कि बता दूँ अब गाइस को। और हाँ अब मैं गाड़ी चला सकती हूँ इसलिए हैप्पी हैप्पी, क्योंकि पहले मनु को डर रहता था कि लाइसेंस नहीं है ये और वो, ऐसे तो गलत बात है बिना लाइसेंस के, तो फिर अच्छा नहीं होता ना कि अगर कुछ हो जाए तो लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो फिर इसीलिए मनु बहुत डरता था। तो अभी लर्निंग लाइसेंस आ गया तो होपफुली ड्राइविंग लाइसेंस भी आ ही जाएगा, तो बस अभी हम कर रहे हैं काम। गाइस 7:30 बज गए और मैंने पूजा कर ली और मैं आज हनुमान जी के मंदिर भी गई थी क्योंकि आज ट्यूसडे प्रसाद चढ़ाने, तो अभी बस मैं जिम जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको मम्मी से मिलवा देती हूँ। मम्मी को आप मिले ही नहीं आज वाले व्लॉग में, क्योंकि मैंने वो व्लॉग रास्ते में स्टार्ट किया था और जब मैं आई थी तब मम्मी थी नहीं, तो मम्मी आज कीर्तन में गई थी गणेश जी के। मम्मी की ऐसे ही चल रहा, सूर्य आंटी क्या जैसे मैंने आपको पहले भी बताया उनके यहाँ कीर्तन था गणेश जी का, तो आप मम्मी से मिल लो। कैसे रहा कीर्तन? बहुत बढ़िया। कोई गाना वाना गाया आपने या बस? बहुत सारे है। आते हैं आपको? आप जोर से बोल दो ना, जैसे कीर्तन में गाया था वैसे यहाँ पे भी बोलो। हाँ गाए थे भजन, अभी वीडियो मंगा के देंगे। आप वीडियो बनाई थी? अच्छा तो फिर मैं वीडियो डालूंगी। ठीक है ठीक है। और गाइस ये हमारी कैंडी, हाय सुंदर बच्चा, और उसको देखो गुंडी को, इधर बोलो, इधर इधर, इसको परवाह ही नहीं है। गाइस चलो जिम चलते हैं वहीं पे। हे गाइस, गाइस मैं ऑफिस में, सॉरी गाइस मैं जिम से घर आ गई हूँ और क्या कहते हैं
अभी बस ऐसे क्या कहते हैं, अभी पापा आ गए हैं और पापा लेकर आए हैं सब्जी। आज की सब्जी मंडी लगी हुई थी तो मैं बताती हूँ गाइस, ये तो दूध आ गया है, तो छोड़ो रोज आता है ना। देखो करेले आए हैं छोटे छोटे, मूली आई है, खीरा आया है, देखना खीरी इसको पैरालिसिस हो गया गाइस और गाइस ये देखो अदरक आ गया, ये मेरा फेवरेट पार्ट, मुझे अदरक बहुत पसंद होती है, ठीक है। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये मौसमी है, मौसमी है गाइस, दिस इज मौसमी, अभी हम मौसमी खाएंगे और विद एप्पल्स, एप्पल जे फे उसमें पड़े हैं फ्रिज में, ये वो है प्याज। बस गाइस गाइस मेरे पापा छाट छाट के सब्जियां लाते हैं, तो गाइस उधर मेरे पापा मम्मी से बातें कर रहे हैं, तो वो सारी बातें सुनाई दे रही है, इतनी बातें भी सुनाई नहीं देनी चाहिए ना, तो वो वहां पे बातें कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, मैं ये कह रही हूँ मेरे पापा इतनी सब्जियां छाट छाट के लाते ना, जहां से सस्ती मिलते वहीं से ही लाएंगे, और लेकिन ठीक है एटलीस्ट लाते तो है, मम्मी को नहीं जाना पड़ता, वरना हमें भी ऐसे नहीं हो रहा, अरे ये खत्म हो गया, अरे वो खत्म हो गया, तो पापा ले आते हो जाता है हमारा। और बाकी बाकी क्या हुआ है, मन्नू आ चुका है घर पे, बट यहाँ पे किसी की वैगनआर है, कोई आया हुआ है किसी के, मतलब साइड में पड़ोसियों के घर, उनकी चाबी गाड़ी के अंदर रह गई है, तो सारे के सारे एक दो लड़के, मतलब मन्नू, एक दो नरेन भैया भी हैं, और जो जिनके यहाँ आए हुए हैं वो सब, वो जुगाड़ लगा रहे हैं कि उस चाबी को कैसे निकाला जाए। और गाइस आई आज मेरे जिम ट्रेनर ने मुझे इतना भगवाया 12 की स्पीड में, उस बंदे ने बोला कि मैं 105 कैलोरीज कंप्लीट कर चुकी थी काउंट, उसने बोला 150 करनी है, और मेरे सर पे खड़े होके उसने मेरे वो 150 कैलोरीज करवाई, और मैं था 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 भागती चली गई, और लास्ट में मैं ऐसे, मेरे को ऐसे सांस चढ़ गया, फिर तो, लेकिन फिर मैंने और भी एक्सरसाइजेस करी, आज मेरा बैक डे था शायद, हाँ आज मेरा ये शोल्डर्स और बैक डे था शायद, हाँ मुझे ना समझ नहीं आता कौन सा बैक डे कौन सा चेस्ट डे, लेग्स डे तो मुझे समझ आता है, बाकी ये था शायद शोल्डर्स थे आज। क्या कर रहे है यार तू तो मजाक है क्या? तो बस ऐसे करके ये मेरा वर्कआउट हो गया, अब बस हम खाना खाएंगे और देखते हैं क्या होता है, अदरवाइज समझ जाना व्लॉग एंड हो गया। सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस कॉज्ड, ये मौसमी नहीं, ये संतरे और ये भी थे सिंगाड़े, है ना, मौसमी नहीं है संतरे हैं, मिलते हैं अब बाद में मिलता है। गाइस चाय बना रही हूँ मैं, और क्या कहते हैं, क्योंकि आज शाम को पापा की चाय मिस हो गई थी, मतलब वो कहीं चले गए थे, तो मम्मी ने उनको चाय, मतलब वो घर पे ही आके उन्होंने लंच किया, तो चाय का वो टाइम था नहीं, तो पापा ने पी नहीं, फिर वो चले गए, फिर वो शाम को 6 बजे आए तो वो सीधा शॉप पे चले गए, तो इसलिए उनकी चाय मिस हो गई, तो उन्होंने बोला मुझे चाय पीनी है, तो मैं चाय बना रही हूँ, उन्होंने बोला थोड़ी कड़क चाय बनानी है, तो बस बन जाए कड़क कड़क कड़क। बाकी बस गाइस कल सुबह कोई आने वाला है, उसका वह सुबह ही देखते हैं कौन आएगा, तो जैसे ही उसका व्लॉग मैं सुबह स्टार्ट करूँगी, अभी के लिए मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़।